बैक टू द चैनल। आप देख रहे हो प्रभु सिंह की एक और नई वीडियो। सो आज हमारे नया टैब जो कि अपना जेल रोड में है हमारे साथ भाई भाई अपन नाम बताइए अपना। गगन। गगन भाई हमारे साथ है। आज हमारी गाड़ी रहने वाली है न्यू 2023 मारुति फ्रॉन्स। फ्रॉन्स क्या बात है, मतलब नई नई गाड़ियाँ आ रही है आपके पास। फर्स्ट इन दिल्ली, फर्स्ट इन जेल रोड। क्या बात है। आज कौन सा इसमें लगा रहे हो फिर आप टायर? इसमें आज बनेगा 17 इंची रिम टायर। 16 नहीं, 16 तो वही फिटमेंट में आया है जो 95/60/16 का टायर आता है इसमें। इसको हम कन्वर्ट करा के 205/55/17 का टायर डालेंगे। अच्छा। ब्रांड का सही है, बहुत बढ़िया अनकंडीशन वारंटी का टायर आता है। कोई वो तो नहीं होती इसमें टचिंग? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पक्का? जैसे 5 जने बैठ गए पीछे, ना हाइट में ना लेना ना देना कुछ नहीं। पक्का? और भी वैरायटी है अपने पास अगर 16 इंची में गए तो? 16 में डालना है तो आपको 16 की डिज़ाइन आपको मैं वैरायटी दिखा देता हूँ। 16 में आपको जैसे कि आओ आपको बाहर एक बारी नज़र चलाता हूँ। भारी जाना पड़ेगा? भारी जाना, अंदर कुछ नहीं अपना पास। 16 इंची जो चार होल में वैरायटी अलग आती है। अच्छा, जैसे अच्छा। अब ये इसका नया डिज़ाइन आया रैपिड। ओए सिल्वर मशीन। क्या बात है भाई, ठीक है। 16 इंच में जैसे ये रेड लाइन वाला आपको मिल जाता है फॉर एवर। अच्छा, गोल्ड इज गोल्ड। रेड लाइन में अंदर टेपिंग तो नहीं करी हुई है? नहीं 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 नहीं, टेपिंग में भी वाला काम नहीं है पाजी, फेयर गेम। अच्छा, नए टायर से आए हो, कहते गलत नहीं, काम नहीं होता। नियो पाजी है? नियो पाजी। ये सारे 16 इंच की वैरायटी आपकी? ओके, ये सारी 16 इंच की वैरायटी आपकी। अच्छा, 16 आपने बाहर रखी हुई है? सारी 16 आपको जैसे फोनिक्स की अगर आपने वही फिट में डाले टायर में डालना है तो आपको 16 में डालना है। वो एक ऊपर दिख रहा है मेरे को थोड़ा यूनिक सा, जहरीला सांप स्नेक, स्नेक स्नेक एलॉय, जहरीला सांप जो जीभ बाहर निकालती है। आज पगड़ी शगड़ी नहीं भाग गया, थोड़ा गर्मी होगी ना तो थोड़ा चेंज कर रहा देना लोका मौसम मौसम अनुसार लोका ने मैंने पगड़ी तो देखी टोपी भी देख लेना। चलो ठीक है भाई, ये स्नेक मिल जाएगा अगर आपने क्रिस्पर ने 17 इंची में कन्वर्ट जी जी। अगर स्नेक को ज्यादा मतलब देखा मैंने वीडियो में, स्नेक ही चल रहा है आजकल। ये स्नेक आपका 17 इंची में 5 होल और 4 होल दोनों में आता है। ओके, तो ये आपको 4 होल में भी मिल जाएगा। 4 होल में आता है जैसे फॉर एवर आपको 5 स्पोक करते हैं, 5 स्पोक चाहिए वो ये तो सदा बार चाहिए। उसमें सिल्वर और ब्लैक थोड़ा सा मल्टी आ गए, ज्यादा मल्टी में है। इसके अंदर इस जैसे आप इस गाड़ी के अंदर आप जो हम आज फिट करने जा रहे हैं वो स्लाइस मॉडल फिट कर रहे हैं, वो अंदर पड़ा हुआ है, वो अंदर पड़ा हुआ अभी वो भी दिखाएंगे भैया। वो सारी ये ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, ये कौन सा है? ये 16 इंची में आया रैपिड। रैपिड एलॉय, क्या बात है भाई, और भी वैरायटी है भाई अपने पास। अगर आपको जैसे हम 17 इंची में ये स्लाइस आज फिट कर रहे हैं फोनिक्स के अंदर, ये वाला ये चीज आपको मिलेगी बहुत अच्छी एलिगेंट, जैसे गाड़ी की बिल्ट है उस हिसाब से लुक आती है। अगर ये सारी वैरायटी आ जाए आपको 17 में चला गया। अच्छा, 17 ही लगा रहे हो? 17 इंची रिम टायर। अगर आपने 17 इंची में 5 होल की वैरायटी देखनी है जैसे क्रेटा ब्रीजा वीजा के लिए, ये उनके लिए भी सारे अपना ये स्नेक भी अपना 5 होल, 17 इंची 5 होल और 4 होल दोनों में मिलेगा। दोनों में मिलेगा आपको, ठीक है ठीक है। ये अपनी छोटी रेंज आ गई, ये छोटी एक छोटी सी रेंज बता दो। अगर कोई फ्रॉन्स लेकर आता है अपने पास 16 इंची जैसे उसी टायर में डलवाना है तो क्या कॉस्ट आएगी? देखो लोग ना वीडियो में बोलते हैं कि रेट नीचे बोलो ऊपर बोलो, हमारा वो आदत नहीं है। जो वीडियो में बोलते हैं अब देखो मार्केट की फ्लक्चुएशन के हिसाब से रेट अप एंड डाउन हुए वो अलग बात होती है। अप्रॉक्स 26,000, 28,000, 28,500, 29,000, 27,000, इट डिपेंड ऑन मॉडल फिनिशिंग कलरिंग, कस्टमर चॉइस भी होती है, कस्टमर चॉइस भी है और रिम की कलर के ऊपर डिजाइन के ऊपर रेट है आज की। अच्छा, मतलब एक एवरेज 26,000-28,000 की रेंज में 4 पीस टायर 16 इंची का अगर वही फिटमेंट में कस्टमर ने फोनिक्स के लिए जाना है तो। अच्छा, पर मेरे जहाँ तक जैसे अभी तो गाड़ी आई है हमने आप पहली फिट करी है हमने, तो मेरी जो जजमेंट कहती है वो जैसे ब्रीजा 16 आती है लोग 17 ही कन्वर्ट होते हैं 90%, तो इस गाड़ी में भी यही सिस्टम होगा, 16 आएगा 17 में ही लोग जाएंगे। अच्छा, जिस हिसाब से गाड़ी की फिजिक एक अपग्रेड हो जाएगा। हाँ, जैसे रेनॉल्ट की टाइगर भी आती है वो और ये एक दोनों सिमिलर ही लगती हैं जी जी। 17 की क्या कॉस्ट आएगी? 17 इंची का 32,000, 34,000, 33,000 हो गया बिल्कुल सीधा। वो रिम का रेट अलग, टायर का डिफरेंस अलग आएगा। अच्छा, बाकी जो भी हो, हाँ, वो तो गाड़ी आप जैसे आपकी नई गाड़ी
लग के आते हैं टायर, आपने कितने किलोमीटर चलाई है तो वो भी लेस हो गया। एक 17 में बता दो टायर कौन सा बेटर है इस गाड़ी के हिसाब से, जो मैंने जितनी गाड़ियां फिट करी है, रेनॉल्ट की टाइगर होगी या फोनिक्स में हमने फिट करा है, जो हमने अपने जजमेंट के हिसाब से चीज देखी है जो जेन्युइन काम है, तो इसमें 255/16/17 का जो टायर आता है सीएडवीएट का, ब्रांड आप कोई भी ले सकते हैं, वो हर कस्टमर का अपनी कॉल है। पर एक एक्यूरेट टायर है, गाड़ी की बॉडी लाइन तक टायर आएगा, गाड़ी का कंफर्ट लेवल वो जीरो नहीं होगा, कुशनिंग लेवल ओके रहा, 17 में आपको महसूस नहीं होगा कि आप ये लो प्रोफाइल टायर डाला। अच्छा, बिल्कुल एक्यूरेट टायर है, ये लो में नहीं आएगा, सेमी चीज है। इससे अपग्रेड करना चाहिए तो कितना करना चाहिए? फिर आप 18 डाल लो, पर 18 में ये बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? ज्यादा हो जाता है, पर ये कि उसके लिए केयर चाहिए, वो आपके कच्चे इलाके में नहीं चलेगा, स्मूथ रोड पे चलेगी, जैसे भरने हैं बंदे चल जाएगा 18 नहीं चलेगा, फिर आप 17 में डालो। इसमें जो मैंने आपको रिम टायर अभी हम वीडियो में शो करेंगे, जी जी जी, सारे कस्टमर हमारे देखेंगे, या आप हाईवे में ले जाओ या आप हिल एरिया में ले जाओ। अच्छा, कंफर्ट गाड़ी पूरा रहेगा, कंफर्ट पूरा रहेगा, बंदे लाद के ले जाओ जितने कुछ नहीं आएगी। अगर चाइनीज डालेंगे तो आवाज आएगी। आज तक हमने किसी जितनी गाड़ियां फिट करी है, आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी कस्टमर हमारे देखते हैं तो उसमें भी आप चेक करो, जो हमने 17 वगैरह डालते हैं, पर वही चीज हम करो। चलो ठीक है, एक छोटी सी और बात करता हूँ, जो आपने पीछे मशीनें रखी है किस काम आती है? ये टायर चेंजर है, ये ऑटोमेटिक टायर चेंजर होता है। अच्छा, अंदर बैठे बैठे होता सर, थोड़े से काम नहीं होता। ये बैलेंसिंग मशीन है, जैसे हम बैलेंसिंग मशीन में ये अलॉयस के अंदर ये जैसे स्टिकर वेट लगाते हैं, जो क्वालिटी बिल्ड करता है। मैंने कहीं देखा ये स्टिकर वेट ना लगाओ, नहीं स्टिकर वेट ना लगाओ, उतर नहीं जाता है, वो दुकानदार अपने दो पैसे बचाने के चक्कर में होता है। ये हम जो माल मंगाते हैं वो ब्लू टेप वाला माल मंगाते हैं, ये आता महंगा है। अच्छा, पर वो जैसे आप देखो, कस्टमर अगर क्वालिटी पसंद कर रहा है तो क्वालिटी के हिसाब से चीज होती है। ओके, जैसे ये आप इसकी जो टेपिंग होती है ना, अच्छी वाली है, ये टेपिंग की क्वालिटी है, टेपिंग के ही पैसे हैं। ओके, सस्ता काम बार बार, अच्छा काम एक बार। मतलब आपने सारे उतार उतार के यहाँ रखे हुए हैं? ये तो हमारा सारा नया माल है, ये हम नॉर्मल अरे सारे उतार देते हैं, हम लगाते ही स्टिकर वेट है। अच्छा सर, हम पैसों के ऊपर उतर तो नहीं जाता, हमने पैसों के ऊपर नहीं, हमने सिर्फ नाम कमाना है, कह रहे इज्जत ही कमाई है और कुछ नहीं कमाया। ये चीज है। और ये जो छोटी छोटी कंकड़ी सी पड़ी है, तो लोग ना जैसे कई शॉपकीपर होते हैं कि एक फ्री में, हाँ जी बैलेंसिंग हम करके दे देंगे, वो बैलेंसिंग फ्री में ये चीजें लगा के देते हैं। अच्छा, एक कंकड़े से वो हम हल्का काम करना हमने सीखा ही नहीं, दो पैसे कस्टमर से ले लो पर चीज अच्छी करके दो। ठीक है, और बाकी पहली मशीन जैसे अलाइनमेंट वगैरह की मशीन है, अगर आपने अलाइनमेंट करानी, वैसे नई गाड़ियों में अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती नहीं, धागे से तो नहीं करते अलाइनमेंट? अलाइनमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बेसिकली अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है जब आपकी गाड़ी ज्यादा चली हो। अच्छा, बैलेंसिंग की मस्ट नीडेड होती है, अगर आप रिमोट एयर फिटिंग करा रहे हो तो बैलेंसिंग। ओके, अगर 200-400-500-600 लगते भी है तो करवाओ, क्यों? क्योंकि एक वबलिंग वगैरह का महसूस नहीं होती, अगर आप 100-120 में गाड़ी जाती है तो दिक्कत नहीं आती। ओके ओके, तो आ जाओ आपको दिखाते हैं। ये पहली मशीन कौन सी रखी है? ये अलाइनमेंट की। अच्छा, अलाइनमेंट, और ये अपनी टायर वाली, टायर चेंजर है। ओके, ये आपका बैलेंसर हो गया। ठीक है ठीक है, सारा ऑटोमेटिक। अच्छा, स्कूटी का भी सामान सारा रखा हुआ है? स्कूटी वूटी सब का टायर होता है। चलो एक बार चलते हैं, फिट तो ये हो गया होगा, वो अभी आपको दिखाते हैं। आ जाओ भाई, ये वाला स्लाइस, स्लाइस आए माजा स्लाइस, माजा स्लाइस आम वाली। चलो एक बार भाई चलते हैं बाहर, तो एक बार देखते हैं अपना। अच्छा, अभी टायर तो भाई पॉलिश वॉलिश हो रहा है, चमका के रखा हुआ टायर पूरा है। हाँ जी। अच्छा, इसमें अब 205/55/17 गिर रहे हो? हाँ जी। ठीक है, क्या बात है भाई, मतलब टायर जो हमने देखा था अंदर तो थोड़ा वैसा लग रहा था, टायर फिट होने के बाद? वो फिट होने का होता क्या है, अलॉय व्हील की ब्रॉडनेस के हिसाब से चीज आ जाती है। अच्छा अच्छा, जब अलॉय व्हील की जितनी विड्थ होती है, जितना जे होता है, उस हिसाब से टायर फैल जाता है। भाई गाड़ी भी लग रहा बड़ी मिट्टी से चल के आई है, ये चलती है कच्चे इलाके में भाई साहब, फिट हो जाएगा, मेरे को लग नहीं रहा 17 फिट हो जाएगा। बुलबुल का बच्चा लगेगा है, जिसे कहते हैं बुलबुल का बच्चा, वो चीज लगेगी। चलो ठीक है, गाड़ी तो तैयार होने दो। हाँ, अभी अलॉय व्हील चमका रहे हैं भाई। ठीक है, एक बार देख लेते हैं गाड़ी आई कहाँ से है। ये अच्छा, गाड़ी दिल्ली की गाड़ी है, की गाड़ी है। भाई फ्रॉन्स गाड़ी है, बेस मॉडल लग रहा है मेरे को, तो बेस ही है इसमें, नीचे वो नहीं आती ना हेडलाइट, बेस है, बेस बेस है ना, बेस स्टार्टिंग मॉडल है। ठीक है ठीक है, बाकी भैया को बुला लेते हैं, भैया को अभी पूछ लेते हैं एक्सपीरियंस कैसा है। भैया को, भैया ने एक नज़र में पसंद करा है डिज़ाइन, एक नज़र में लुक पसंद करी है इस चीज़ की, देखते सारी भैया ने कहा है, तभी आपने अंदर रखे हैं वाले रेम, तभी भैया ने कहा है मैंने 17 इंची में डालना है और स्लाइस ही डालना है और नथिंग, और कुछ डालना ही जी। अच्छा जी, चाहिए तो स्लाइस चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, माजा वाले चाहिए, माजा ही चाहिए, माजा। चलो भाई ठीक है, ये डालते हैं फिर फिट करते हैं, पूरा गाड़ी कम्प्लीट हो दो फिर मिलते हैं कस्टमर के पास। ठीक है,
हाँ जी गगन पाजी हो गया गाड़ी में, गाड़ी तैयार है। अब देखो 17 इंच जो हमने ये भाई गाड़ी में लग नहीं रहा, इतना बड़ा बड़ा अलॉय डाल दिया, 20 लग रहा है आपको मेरे को तो। ये नहीं 20 नहीं है तो 17, पर इसकी प्रोफाइल भी हमने एक्यूरेट डाली है जो गाड़ी में टचिंग वचिंग भी नहीं करेगा और गाड़ी के हिसाब से एक्यूरेट चीज रहेगी। वैसे भाई बोलते हैं मतलब इतना गैप होना चाहिए, देख पर हाथ लगा के दिखाना कितना गैप है। हाथ से भी ऊपर है, बहुत है, बहुत ज्यादा गैप है। एक बार पीछे वाला भी करेंगे, दोनों में सेम ही आता है, दोनों सेम आएगा, दोनों में सेम आता है, सेम आएगा, ये सेम आएगा, देखो ना एक बार दोबारा लगाना मेरे को। अच्छा, पूरा टच नहीं होगा साइड पीछे से, मैंने देखा है ना इतना इतना होता है। पीछे से आउटलुक दिखाओ फिर पता चलेगी। अरे क्या बात है, मतलब ये अलॉय गाड़ी के साथ मैच कर रहा है प्रॉपर प्रॉपर है, गाड़ी की लुक पूरी आ गई है। वैसे तो भाई देख जो भी अपना शौकीन बंदा होता है भाई उसको तो टायर भारी चाहिए होता है गाड़ी से, है ना। बाकी आप हम कस्टमर से रिव्यू कराते हैं, कस्टमर से रिव्यू बड़ी जल्दी पै रही है दोनों है, थोड़ा बताओ तो सही इसके बारे में। ये हमने 17 इंच का रिम डाला है, स्लाइस मॉडल, ओके, 205/55/17 सीएड का मेड इन इंडिया टायर डाल दिया, अनकंडीशन वारंटी है टायर की, कटने और फूलने दोनों की वारंटी के साथ टायर आता है, डेप्रेशन पर्पस के हिसाब से होता है, कोई टचिंग का टचिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी ना ऊपर नीचे में ना आगे पीछे। और वारंटी में क्या क्या इसके अंदर आता है, इसमें मतलब टायर में और टायर में बता दो। पॉलिश की वारंटी होती है अलॉय की और स्ट्रक्चरल वारंटी होती है कंपनी की, और टायर में कटने और फूलने दोनों की वारंटी आती है अप टू 2 ईयर्स होती है, 50% माल से पहले, वो तो बेसिक हर ब्रांड ही देता है वो तो, ब्रांड टू ब्रांड। कितने रुपए का टायर आता है एक, वो डिपेंड करता है कि आप साइज क्या डालते हो, ब्रांड क्या डालते हो, आपका डिफरेंस क्या आता है कि अल्टा बल्टी में कौन सा ब्रांड लग के आ रहा है, ये चीज़ पे आ रहा है। ठीक है ठीक है, बाकी आप लिए रिव्यू आओ फिर आओ, एक बार माइक दे दो उनको, आओ सर आप दोगे दोनों किसी से भी पूछ लो पाजी। अरे क्या बात है, हेलो भैया। हेलो भाई। हेलो भैया, भैया आपका नाम, आप कहाँ से आए हो? नजफगढ़। अरे क्या होता है, पास की है फिर तो है भाई, तो फिर कैसा लगा एक्सपीरियंस? भाई देख लो मेरे को तो मज़ा ही आ गया देख के, टायर है आप गाड़ी बेस मॉडल लेकर आए थे, रिम टायर, रिम अपना व्हील कवर वाला नॉर्मल स्टील रिम ब्लैक वाले मॉडल जो आता है उसके साथ। जी जी, अब क्या लुक आ रही है आप खुद देख के बताओ, मैं तो पागल हो गया था देख के। चेंज हो गया लुक, बिल्कुल डिफरेंट हो गया, मतलब अलग डलते ही ना, हाँ हाँ हाँ, गाड़ी ही चेंज हो गई है, थोड़ी बल्की होगी, मोटी मोटी से होगी, मस्कुलर होगी पूरी, हाँ पीछे से ना। अब कहेगा तो नहीं कोई भैया कंपनी के लगा दी अलॉय? बढ़िया अलॉय है, मेरे को तो कोई इशू नहीं है भाई, मज़ा आ गया अलॉय देख के तो मेरे को, और मैं सोच के आया था कि मैंने न्यू के ही लगवाने हैं। अच्छा, क्योंकि बेस्ट यही मैंने सर्च जो करी थी यही था भाई, जो भी था ओके, या न्यू या मिंडा, तो मेरे को बेस्ट मैंने यूट्यूब पे देखा था आपका वो, तो मैं ऐसे सर्च कर रहा था कहाँ अलॉय मिलेंगे पास में, तो मेरे को दिखा तो बेस्ट अलॉय मेरे को ये लगे, क्योंकि सारे रखते हैं भैया, सारे रखे हुए जो भी है, काफी सारे मॉडल हैं। जी 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 जी, तो यही बेस्ट था इसलिए यहीं पे आ गया। ओके भैया, आपको कैसा लगा? अच्छा, 17 इंच में अच्छा लगा, काफी अच्छी बात, मतलब मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है भैया, आपने जो इसके अंदर मनी एक्सपेंड करी है वर्थ है पूरा? पूरा वर्थ है, कहीं ये तो नहीं लगा पैसा ज्यादा ले लिया अलॉय थोड़ा कम वाला डाल दिया? बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं है, मैंने तोड़ने के भी नहीं गई, मैंने एक बार बोला था भैया को, मैंने दोबारा बोला भी नहीं, कह रहे एक बार में हमने सेलेक्ट कर लिया था इसको, बिल्कुल ये तो नहीं अलग अलग करा था सेलेक्ट, लगाया एक 16 इंची भी था, पर जैसे ही ये लगा था ना ओ बड़ा बड़ा, तो फिर तो बस फिर तो यही है, वैसे 18 डालते तो 18 भी लग जाता, ज्यादा कम्फर्ट भी चाहिए होता है ना थोड़ा, बिल्कुल। अच्छा, के सारे रोड टूटे हैं उसके, तो जो कोई ना कोई तो बिल्कुल अपनी पसंद जो आप सेलेक्ट भी करके आ रहे हो ना मिलेगा यहाँ पे। हाँ भाई, अगर ये भी है अपना ब्लैक सिल्वर में भी, सिल्वर में भी आता है पूरा लोहे वाला, अगर किसी भाई व्हाइट गाड़ी है तो उस पे सिल्वर जाएगा, ये ब्लैक ज्यादा जा रहा था तो हाँ। मेरी ख्याल से ये मैं इसको फिर वो व्हील कैप वाली व्हील ही आती है। हां ये चीज ऐसे मत बोलो यार, पाजी फोन दे रहा भाई, ऐसा लगता है ग्रैंड विटारा का जो व्हील कैप उसके साथ आती है ना सिल्वर में, वैसे ही आता है उसकी स्पोक ही मोटी आती है। ऐ चलाके चल रहे ने बीच बीच, चलो ठीक है भैया, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। एक बार आपके पास आ जाते हैं भाई, अपनी पकड़ लो, हाँ जो अमानत पकड़ लो अपनी, अमानत अमानत है, अमानत। हाँ भाई हीरो, क्या हाल है? बड़ा खुश हो रहा है यार, वीडियो आ रहा ना यूट्यूब पे दिखेगा ना, चलो शंकर भाई, भाई।
चलो एक बार छोटी सी अपनी लोकेशन बता दो, कहाँ पर आना है? नये टायर्स जो नियर तिलक नगर मेट्रो स्टेशन है हमारा, जो मेन लैंडमार्क है जेल रोड पे हमारा। मोबाइल नंबर पाजी ने दो बार ही पूछना, हम पहले ही बता दें 9811957521। दोबारा रिपीट करना ना भाजी, 9811957521। बाकी एक बार रिपीट कर दो वीडियो में तो हमारा फ्लैश करेगा। एक बार रिपीट कर दो 9811957521। ओके अब क्या कह रहे थे बताओ। बाकी नंबर तो हमारा फ्लैश करेगा, जो भी कस्टमर को इंक्वायरी हुए या जो कुछ भी पूछना हो तो व्हाट्सअप करे इस नंबर पे। भाई अगर किसी को ना मिले रोड पे, मेन रोड पे, तो भाई ये नंबर वन अलॉय व्हील ब्रांड इन इंडिया लिखा हुआ है तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास वो अपना आएगा सोना बेकर। हैं कर दे फिर एंडिंग कर दे। हो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ओके टिल देन बाय। चंगा चंगा जी।